नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं मंडे के लिए, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 27 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो से आप लोग अंत तक जरूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने मैंने जो बाई सेल लेवल कम स्किनर बनाया, उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स का, ये आप लोग को फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। वो आप लोग नेक्स्ट डे काम करके आप लोग प्रॉफिट कर सकता है, वो आप लोग को टोटली फ्री में मिल जाएगा। तो इसमें भी आप लोग देख सकता है। तो इसमें आप लोग को वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, तो इसमें आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। तो इससे वीडियो, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका नोटिफिक इसका इस सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर कीजिए ताकि आप वो और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। और इसमें और मैं जो बाई सेल लेवल, मैंने जो लाइव डेमो दिखाता हूँ, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इसको कितना एक्यूरेसी के साथ काम करता है। मैंने आप लोग पिछले दिन से देखिए, मतलब पिछले दिन से, मतलब बहुत सारा दिन से मैंने पिछले वाला जितना सारा वीडियोस, लाइव डेमो वीडियोस बनाया है, 2 डेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस बनाया है, जितने दिन से बाई सेल लेवल दिखाता हूँ, उसका आप लोग बैक टेस्ट करके देखिए, चार्ट में देखिए, डेट देख के, उसके बाद नेक्स्ट डेट के कौन सा डेट का वीडियो है, उसके बाद आप लोग देख सकता है ये कौन सा इसका नेक्स्ट डे के आप लोग देख सकता है कि को कैसे कितना एक्यूरेसी से काम कर सकता है, काम करता है। और इसका आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, मैंने सिखाने के लिए मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा हूँ, ये आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्या क्या सिखाया जाएगा। तो इसका भी आप लोग को फ़ायदा उठा सकता है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को इतना सारा चीज़ कभी नहीं मिलेगा। आप लोग को 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपये के दे के आप लोग को सीखना पड़ेगा। तो ये आप लोग को जरूर सीख लेना चाहिए, आप लोग को फायदा हो जाएगा, और आप लोग भी लेवल जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग को ये करना चाहिए। और ये जो बाइसेल लेवल है, इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। और इसका फाइल का डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर फ्री ट्रायल के लिए कुछ दिन ज्वाइन हो सकता है, तो इसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ। और इसमें आप लोग को पता चल जाएगा ये इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है। और आप लोग को मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लाइव डेमो भी देख सकता है, तो वो भी आप लोग को दिखा दूंगा कोई किसी भी सेगमेंट में। तो देखिए, इसमें जो बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हूँ, इसका जो कैंडल स्टिक आज बना है, ये देखिए इसमें ऊपर आप साइड में इसका लॉन्ग टेल है, और ये बहुत छोटा बॉडी है, और ये बियरिश होकर क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये है ऊपर खुला था, लेकिन इसका सेलिंग प्रेशर आके इसका नीचे दबा, नीचे नीचे लेकर आया है। तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टाइम से हमने 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 सेशन 2 सेशन 3-4 घंटे के लिए ये एटलीस्ट ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है ये जो। लेकिन इसका अप ट्रेंड चालू है, इसका अप ट्रेंड अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है, तो इसका अप जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन तो एक कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी दिखता है, ये थोड़ा सा इसका ट्रेंड का भी इसका नीचे आया है, थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है इसका भी थोड़ा सा नीचे आया है। तो इसका थोड़ा सा लगता है कि ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 1 दिन के लिए एटलीस्ट, या 1 सेशन के लिए, 2 सेशन के लिए ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इसका दिख रहा है। और इसमें इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसका आप लोग नोट कर सकते हैं, 9194 क्लोजिंग दिया है, 9208 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 9275, उसके बाद 9381, उसके बाद 9450, उसके बाद 9555 तक ये जा सकता है, और भी ऊपर देखने के देख सकता है। लेकिन इतना देख के आप लोग, और मैंने जो बोला था कि इसका जो साइकिल चल रहा है, आप लोग साथ मेरा पिछले वाला वीडियोस फॉलो कीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा ये क्या क्या, ये देखिए इतना सारा लेवल्स इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए इधर 9759, 753, उसके बाद 9904, इसके बाद इसका
10,000 इसका ऐसे करके लेवल इसका दिखाई दे रहा है, 10,150 इसका लेवल सुपर हाई, और नीचे वाला जो सपोर्ट है 9,102, 9,934 और 9,034। उसके बाद इसका जो क्रूशियल लेवल होगा ये है 8,816, इसका क्रूशियल लेवल होगा। और ये जो एंगल पकड़ के ऊपर जा रहा है, आप लोग का जो कान एंगल्स जो दिखाता हूँ, ये जो एंगल्स का ऊपर गया था इसका, देखिए इसका रेजिस्टेंस लेकर ये इस एंगल तक जा नहीं पाया, ये रेजिस्टेंस लेकर फिर से ये नीचे आ गया है ये, लेकिन इसका इतना तक 9,600 या 9,700 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो ये लेकिन अभी ये एंगल का अंदर ही का रह गया, और इधर जो 9,390 का एक लेवल दिख रहा है, और इधर थोड़ा सा नीचे करना है इसका 10,000, उसके बाद 9,300, उसके बाद 10,169, उसके बाद 10,562 तक ये जा सकता है। और लॉन्ग टर्म का जो लेवल्स है इसमें 8,563 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 9,390, उसके बाद इसका जो लेवल दिखता है, इसका जो लेवल्स दिखता है, इसका जो लेवल दिख रहा है, इसका जो लेवल ये वाला लेवल दिख रहा है 9,959, उसके बाद ये 10,553 इस लेवल तक आने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है। और ये करेक्शन हुए 2008 से, करेक्शन हुए आ रहा है सॉरी 2008 से या पाँचों साइकिल में ऊपर गया था, इसके बाद ये करेक्शन हुए ये है, वेव ए चल रहा है, इसका वेव बी चल रहा है, इसके बाद ये वेव बी शायद 10,560 तक, 10,550, 10,600 तक जाने का प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जाएगा, लेकिन किसी भी जगह से ये 9,500, 9,700, 9,900 ऐसे तक जा सकता है। अभी ऊपर ही जाएगा, अभी तक इसका मतलब नीचे आने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन नीचे भी जाएगा ज़रूर, मतलब यही मेरा एजम्पशन है। और इसमें और बैंक निफ्टी का मैंने दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा खींच के लेकर नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद अरे यार इसको थोड़ा सा इसके थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है इसको, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने इधर से दिखा देता हूँ आप लोग को, तो देखिए इधर निफ्टी का जो चार्ट दिख रहा है ये इधर भी नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है इसमें, इसका जो निफ्टी फ्यूचर का इसमें 9,171, इधर 9,005, इसके बाद 9,853 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इसका, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इधर 18,999 इसका नीचे ये सेलिंग जोन में आ सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का चार्ट का दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट दिखा देता हूँ, तो इधर बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर अभी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है इसका, ये भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल का नीचे है इसमें, मतलब ये जो लेवल्स है इसका नीचे, ये 20,000 का जो इधर जो 20,000 19,380 का नीचे इसका बहुत ही नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद ये सब लेवल्स पे ये आ सकता है, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ, ऑप्शन चेन में आप लोग को देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी का देखता है, निफ्टी का देखता है, निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 1.09 है, इधर 9,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर लॉन्ग बिल्ड सॉरी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल शॉर्टिंग हो रहा है, और 9,000 में इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, पुट साइड में ये इधर सपोर्ट बना है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, और इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इधर कॉल शॉर्टिंग का ज़्यादा हो रहा है, कॉल शॉर्टिंग का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। और इधर जो बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी का जो दिखा रहा है इसका पीसीआर रेशियो 0.98 है,
इधर 21,000 में इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा इधर ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और इधर 19,000 में इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इधर से 21,000 कहाँ गया, 21,000, हाँ इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये इधर कम है, और इधर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप का ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये भी थोड़ा सा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। और मैंने प्रोबेबिलिटी को आप लोग को दिखा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी को दिखा देता हूँ, देखिए आज का जो आज का करंट प्राइस बैठा है, और कॉल इम्पैक्ट वोलेटिलिटी, पुट इम्पैक्ट वोलेटिलिटी, और डेज टू एक्सपायर 6 डेज बने रखे, मैंने कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में बैठा हूँ, तो देखिए 9,500 रेजिस्टेंस, 9,000 सपोर्ट बन के, ये 9,000 का मतलब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन 6 दिन का हिसाब से ठीक है, ये भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इधर इसको मैंने 9,300 कर दूंगा, तो देखिए इसका प्रॉफिट क्या दिखा रहा है। अभी तक ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के लिए टाइम लग रहा है, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, फिगर नहीं आ रहा है इसका, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए आप लोग, प्रोसेसिंग होने दीजिए। तो देखिए जब 9,300 कर दिया तो इसका ये मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब साइडवेज मूवमेंट, मतलब बुल और बियर दोनों ही स्ट्रांग है, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाएगा और ज़्यादा नीचे भी नहीं आ पाएगा। इधर भी मैंने इसका 20,000 कर दूंगा, तो 20,000 या 20,500 कर दूंगा, तो देखिए इसका प्रॉबिलिटी थोड़ा सा, सॉरी 20,500 में तो नहीं हो रहा है, लेकिन 20,000 कर दूंगा तो इसका प्रॉबिलिटी इधर देखिए कितना बढ़ गया है, 20,200 कर दूंगा तो तब भी इसका प्रॉबिलिटी, इसमें आप लोग को व्हील और बियर दोनों ही स्ट्रांग चल रहा है, बियर थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ले रहा है, लेकिन बुल्स भी स्ट्रांग है, तो ये मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी दिखा रहेगा। अच्छा मैंने थोड़ा सा क्या बोलता है, गन्स टाइम्स वर्स करना हो, गन 360 डिग्री एनालिसिस दिखाने का इरादा है, आप लोग भी देख रहा है मेरा रिकॉर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, मेरे को जल्दी दिखाना पड़ेगा, कोविड वायरस में बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है अभी, इसका एनालिसिस तो देखिए इधर 9,160 और 9,200 का लेवल पे ये निफ्टी चल रहा है, इस बात में इस बात से चल रहा है, ताकि ना कि इस बात से चल रहा है, तो इसका जब ऊपर जहाँ का जाने का लेवल आएगा तो ये इस बात से भी से पकड़ लेगा, ठीक है, तो इसमें और बैंक निफ्टी भी ऐसा चल रहा है, तो इधर देखिए इसका लेवल, इसका अंदर का लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है, तो इसमें इसका अंदर क्लोजिंग दिया है, और बैंक निफ्टी जिधर क्लोजिंग जिस लेवल पे है वो निफ्टी भी वही लेवल पे है, तो ये और आप लोग को थोड़ा सा ये तो मैंने बड़ा मतलब टाइम फ्रेम में दिया है, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में भी देखा सकता हूँ, इधर 9,390 थोड़ा सा हाई गया था, आप लोग चार्ट में भी चेक कर सकता है, मैंने मेरा फिगर माइंड में है इसीलिए मैंने देखिए 8,909 कर दिया, तो इससे इधर भी देखिए इस पथ में नहीं चल रहा है, इधर से नहीं आ रहा है नीचे, ना कि इधर से ऊपर जा रहा है, तो इधर 9,131 9,203 इसका बीच में है, ये 9,354 तक इसका सपोर्ट, अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और इधर मेरा जो फिगर अभी तक इसका बैंक निफ्टी का याद नहीं आया ठीक से, इसका चार्ट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसका चार्ट को इसके नहीं ले कर आ सकता हूँ, तो इसका तो मैंने थोड़ा सा इधर फ्यूचर को देख लेता है, 21,000 आप लोग फ्यूचर को पकड़ सकता है, सोच लीजिए 21,099 और
1,092, 21,099 और 21 याद आया है उसका, 21,122 था, 21,122 इसका। हाँ एक लेवल ऊपर गया था 21,122, और नीचे का लेवल ठीक से मेरा याद नहीं, 18,000 समथिंग या 19,000 समथिंग इसका नीचे लेवल आया था। ठीक है 21,099 और मैंने 19,002 पकड़ लेता है, 21,099 और 19,002 पकड़ लेता हूँ, तो देखिए कैसे निकल के आता है। ये 477, ये 564 में क्लोजिंग दिया है, तो कितना में क्लोजिंग दिया है, फ्यूचर 580 में। तो इसमें देखिए इस लेवल पे मैंने एक्चुअली एनालिसिस करके आप लोग को समझिए, ये देखिए 19,952 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है उसके बाद इधर ये अभी नीचे ट्रेंड में नहीं आया है, नीचे ट्रेंड में 516 का नीचे 952 ऐसे नहीं आएगा, तो ऐसे ही इसका पकड़ना है। तो इसका जब नीचे आएगा तो इसका लेवल देखना है, तो ऐसे करके ये नीचे आ सकता है। ठीक है और मैंने एक दिन का हिसाब से, एक दिन का डाटा जो मैंने मेरा बाय सेल लेवल पे मैंने बाद में बाय सेल लेवल जब दिखाऊंगा तो आप लोग को पूरा बहुत सारे लेवल्स दिखा दूंगा। फिलहाल आप लोग को जो एनालिसिस करने के लिए जो मना जरूरत है वो देखिए, देखिए इधर एक दिन का डाटा बैठा है तो 9,295 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है और इधर 9,179 का नीचे इसका नीचे आने का पॉइंट है, निफ्टी इंडेक्स का 9,187 में क्लोजिंग दिया है 9,000, तो देखिए इसका जो सेल का लेवल है थोड़ा सा नाजदीक है, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म स्पेन में इसका नीचे जाने का प्रॉबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्पेन ये इसका फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल आप लोग नोट कर सकता है। ठीक है तो 9,000 इसका प्रॉबिलिटी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें देखते हैं और कितना टाइम मेरे को बचा हुआ है, अभी तक तो चल रहा है। ठीक है इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाने का कोशिश कर रहा था लेकिन ये खींच के नीचे लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया है इसका। और कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ, और इसमें देखता है इसमें गन टाइम स्क्वायर में आप लोग, गन ऐसा चीज है कि आप लोग एक ऑल ओवर यूनिवर्स गन टाइम स्क्वायर का फिबोनाची का लेवल्स पे आप लोग को दिखाई देगा, तो ये आप लोग को सीख लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें आप लोग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम और प्राइस जब एक दूसरे के जब स्क्वायर करता है गन एंगल, मैंने आप लोग मेरा गन मूविंग एवरेज है पावर ऑफ गन एंगल्स उसका वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने और भी गन के ऊपर और भी लेवल्स दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा लेवल्स गन के ऊपर है, लेकिन गन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल है उसको, और उसको जब वोलेटिलिटी के साथ लिंक किया जाएगा तो और भी जबरदस्त मतलब अच्छा एक्यूरेसी के साथ इसका देखा सकता है आप लोग। हर रोज मेरा लाइव डेमो का देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये फिबोनाची ये टू रेंज बेस्ड लेवल्स है, ये भी बहुत ही अच्छा लेवल है, फिबोनाची लेवल टू रेंज का हिसाब से चल रहा है। और इधर टू रेंज ATR 14 का लेवल आप लोग देख सकता है, मतलब फिबोनाची का ATR का 14 का लेवल, यह है गान का फिबोनाची लेवल, ये 30 डेज का जो लोग लॉन्ग टर्म में करना चाहता है। और ये गन एंगल टू रेंज, ये ऑन टू रेंज दिखा रहा है, ये 14 पीरियड का ATR 14 पीरियड का लेवल से दिया है, और इधर टू रेंज गन एंगल्स है गन डिग्रीस है। ठीक है ये भी 14 पीरियड का है, आप लोग देखते जाइए और नोट करते जाइए और आप लोग को कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा, क्यों क्यों दिखा रहा हूँ आप लोग लॉन्ग टर्म में आप लोग को ट्रेंड का पता चल जाएगा इसीलिए दिखाता हूँ। तो
इसमें आप लोग को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स का लेवल्स आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करके आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर लेंगे, देखेंगे तो मार्केट इसी का हिसाब से चलेगा। तो देखते हैं इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक है तो क्या करेगा, नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो मैंने यही ख़त्म करता हूँ। तो